पैर तो तभी तो शूज पहनाएंगे। ए यार ये क्या है पता है? क्या है? ट्रायंगल बना हुआ है ये। ये ट्रायंगल है हाँ। और ये नेल से गड्ढा नहीं करो, बॉल खराब हो जाएगी। अच्छा सुनो सुनो, यहाँ पे सबको गुड मॉर्निंग बोल दो। बाय बाय। वेलकम बैक टू माई चैनल। मैं हूँ रेनू एंड मी ट्राइंग हेल्दी लाइफ स्टाइल, हेल्दी लिविंग। और आज है डे नंबर 2। तो गाइज, जो लोग मेरे चैनल पर नए आए हैं, जो मुझे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, उनके लिए हाई, मैं हूँ रेनू और मैं अपनी वेट लॉस जर्नी पर हूँ। तो मैं अपने चैनल पर उसी से रिलेटेड वीडियो पोस्ट करती हूँ। तो अगर आप भी अपना वेट लूज करना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं और मेरे साथ अपना वेट लॉस जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। तो चलो अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हाँ गाइज, आज वैसे पता है, मैं जब ना सोचती हूँ कि मैं अपना वेट चेक नहीं करूँगी और ऐसे ही अपना वेट लॉस जर्नी को कंटिन्यू करूँगी, तो मुझे इंस्टाग्राम पे भी खूब सारे मैसेजेस आने लगते हैं कि आपका करंट वेट कितना है। और मुझे नीचे भी वीडियोस के नीचे भी कमेंट आने लगते हैं कि आपका वेट कितना हो गया, करंट वेट कितना है, आज का वेट कितना है, चेक करके बताइए। ये सब चीज़ें होती हैं। तो मैं सोच रही थी कि मैं अपने फैट लॉस पर ज़्यादा फोकस करूँगी, वेट लॉस से ज़्यादा। लेकिन मुझे लगता है आप लोग मुझे वो करने नहीं देंगे, मुझे अपने वेट पर भी ध्यान देना पड़ेगा। मतलब ध्यान क्या दूंगी, अगर मैं अपनी वीडियो में नहीं बताया करूंगी ना अपना वेट, तो मैं कम्युनिटी पर पोस्ट कर दूंगी, तो आप मेरी कम्युनिटी भी चेक कर सकते हो। लेकिन आज आप लोगों के कहने पर मैं अपना वेट शो कर रही हूँ, जो भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो यस, आज मेरा वेट है 56.85 और मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट की थी 64 kg से। और ऐसा नहीं है कि मैं बिल्कुल स्ट्रिक्ट डाइट पर थी और मैंने बहुत कम खाया है, बहुत स्ट्रिक्ट डाइटिंग की है, बहुत सारी वर्कआउट किए हैं, मेरा रूटीन बहुत मतलब ऐसा बंधा हुआ था, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैंने खूब पार्टीज की है, मैंने खूब जंक फूड खाया है, मैंने सब कुछ खाया है जो मुझे खाना होता था, मैं सब कुछ खाती थी, मैं डेली खाती थी। ऐसा नहीं है कि मैं सुबह से लेकर रात तक मैं सिर्फ हेल्दी, मेरा जब मन करता है ना कि मुझे मैगी खानी है, बेशक मैं इतनी सी मैगी खाऊं, बेशक मैं एक स्पून मैगी खाऊं, लेकिन मैं मैगी खाती थी। जब मेरा मन करता है ना कि आज मैं खाना अपने हस्बैंड के साथ लेट खाना चाहती हूँ, तो मैं ऐसा भी करती थी। मतलब मेरे को जो खाने का मन करता था, मैंने सब कुछ खाया है। लेकिन रुजुता मैम के प्रिंसिपल्स को याद रखकर, रुजुता मैम बोलती है कि हमें ना मतलब ऐसा नहीं है कि पूरा पेट भर के खाना है, हमें सब कुछ खाना है लेकिन मॉडरेशन में खाना है। उसके साथ साथ पानी लगातार पीते रहना है, उसके साथ साथ हमें सीजनल फ्रूट्स वेजिटेबल्स को ऐड करना है, उसके साथ साथ हमें अपने घर का जो हमारे मतलब हमारे कल्चर फूड होता है ना, उसको छोड़ना नहीं है, उसे भी कंटिन्यू रखना है। हम पापड़ भी ऐड कर सकते हैं अपनी डाइट में, हम अचार भी ऐड कर सकते हैं अपनी डाइट में, हम और क्या क्या क्या, हम चीनी वाली चाय भी पी सकते हैं, हम 2 से 3 चाय पी सकते हैं। बस ध्यान रखना है कि वो शाम से पहले पहले हो और सुबह खाली पेट ना पिए आप। बस इन कुछ कुछ चीज़ों का ध्यान रखते हुए आप अपनी डाइट को मतलब कर सकते हैं। आपको बिल्कुल स्ट्रिक्ट होने की ज़रूरत नहीं है, आप तसल्ली से बैठ कर धीरे धीरे जब खाते रहे तो आपका जो मतलब जो भूख होती है ना, वो वैसे भी कम हो जाती है। तो ये तो रही मतलब ये प्रिंसिपल्स की बात रुजुता मैम बोलती है। तो इन्हीं सब चीज़ों को फॉलो करके आप भी अपना वेट लूज कर सकते हैं, मैंने किया है, आप भी कर सकते हैं। जब मुझ जैसी फूडी कर सकती है ना, मतलब मैं कभी ना डाइट को लेकर, खाने को लेकर कभी फोकस नहीं हो पाती हूँ कि नहीं मुझे सिर्फ हेल्दी खाना है, सिर्फ सैलेड खाना है, नहीं मैं सिर्फ सूप्स पे रहूँगी, मैं राइस नहीं खाऊंगी, मैं घी नहीं खाऊंगी, ऐसा कुछ नहीं है। हम सब कुछ खा सकते हैं लेकिन लिमिटेड पोर्शन में, पोर्शन कंट्रोल के साथ में। बस एक चीज़ और, पोर्शन कंट्रोल का मतलब लोग समझते हैं कि हमने खूब सारा दाल ले लिया,
खूब सारा सैलेड ले लिया, थोड़ा सा राइस लिया, ऐसा नहीं है। राइस हमें जितना लेना है उसका उससे कम दाल होनी चाहिए, दाल जितनी लेनी है उससे कम सब्जी होनी चाहिए। तो इस प्रोपोर्शन में हमें खाना खाना होता है। ऐसा नहीं है कि खाना तो आपने पूरी थाली भर के लिया है, उसमें दाल इतनी ले ली है, राइस इतने से लिए हैं, सब्जी थोड़ी सी ली, ऐसा नहीं है। जो हम जैसे खाते थे वैसे ही खाना है। और कुछ लोग बोलते हैं राइस खाते हो डाइट मतलब वेट लॉस जर्नी में, तो यार राइस मैं बचपन से खा रही हूँ, मेरे मम्मी पापा बचपन से खा रहे हैं, मेरे दादा दादी बचपन से खा रहे हैं, क्योंकि वो हमारा कल्चरल फूड है। क्योंकि हम लोग किसान फैमिली से बिलोंग करते हैं, मेरे जो दादाजी थे वो किसान थे, उनके जो फादर थे वो किसान थे, मेरे पेरेंट्स ने पेरेंट्स बेशक दिल्ली में आ गए, शहर में आ गए, लेकिन हमारा जो रिचुअल वाला जो फूड होता है ना, जो हमारा कल्चरल फूड होता है, वो हमारा चावल है। क्योंकि हम लोग किसान थे तो चावल हमारे घर हमारे खेतों में उगाए जाते थे, तो इसीलिए क्वांटिटी ज़्यादा ली जाती थी, चावल ज़्यादा टाइम बचते थे, ज़्यादा टाइम खाए जाते थे। तो चावल खाने से मोटे नहीं होते हैं, बस हमें ध्यान रखना है क्वांटिटी का कि हम कितना खा रहे हैं। हमारा पेट हमें बोल रहा है इतनी भूख बता रहा है और हम खा रहे हैं इतना, तो ऑब्वियसली हम मोटे होंगे। लेकिन अगर हमारा पेट बता रहा है इतना और हम खा रहे हैं इतना, तो ऑब्वियसली हमारा वेट नहीं बढ़ेगा, हमारा वेट बढ़ेगा ही नहीं, ठीक है। तो और जितना मैं बोलती, कभी भी पेट भर के खाना नहीं खाना है, हमें अपनी भूख का 80% ही खाना खाना होता है, ठीक है। बस इन सब चीज़ों को ध्यान रखिए और आप अपना वेट लूज कर सकते हैं। तो गाइज मैं सुबह उठ के मैंने अपना थायराइड वाला मेडिसिन लिया था, लड्डू को तैयार करके सब कुछ। मेरा सुबह वाला जो स्केड्यूल होता है ना, बहुत ज़्यादा बिजी होता है, बहुत मैं बिजी रहती हूँ। और तो अब मैंने अब मैं बैठी हूँ, नहा धो के थोड़ी सी एक्सरसाइज कर लेती हूँ, 5-7 मिनट, ज़्यादा नहीं हो पाती है। और 5 मिनट एक्सरसाइज के बाद भी पता है यहाँ इतना पेन है, और मेरे थाई एरिया में बहुत पेन हो रहा है। कल से स्टार्ट किया है। 2-4 सूर्य नमस्कार कर लेती हूँ, 2-4 जो जो मुझे याद आती है ना करते टाइम पर, मैं वो कर जंपिंग हैक मैंने कल 50 टाइम्स किए थे, आज मैंने 90 नहीं, आज मैंने 100 किए हैं, 30 के 2 सेट, उसके बाद मैंने 40 कर लिए थे। तो मतलब बढ़ रहा है ना, कल मैं 30 में थक रही थी, आज मैं 100 में कर चुकी हूँ। तो मतलब आप खुद सोच सकते हो, आप ये सोचिए कि 5 मिनट एक्सरसाइज में क्या वेट लूज होगा, बिल्कुल वेट लूज होगा। आप सोचिए 5 मिनट एक्सरसाइज में अगर आपका 10 दिन में कुछ इंचेस कम हो रहे हैं, तो आप जो एक्सरसाइज नहीं कर रहे तो आप 10 दिन में भी कुछ लूज नहीं कर रहे हो ना। तो कुछ करने से बेटर है, मतलब कुछ ना करने से बेटर है कुछ करना, मैं उल्टा बोल रही थी। तो चलो मेरा डिटॉक्स का टाइम है, मैं खाली पेट डिटॉक्स लेती हूँ थायराइड मेडिसिन के बाद, उसके बाद मैं अपना आगे का ब्रेकफास्ट जो लूंगी तब मैं आपसे मिलती हूँ। बहुत लंबी बन जाएगी लगता है आज की वीडियो, 6:30 मिनट तो अभी हो चुके हैं। तो गाइज प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया, और मैं अपना डिटॉक्स फिनिश करती हूँ और आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर के बाद। ये है कुछ सोक्ड रेजिन्स, मैं पहले सोच रही हूँ कि इनको खा लूँ, और 15-20 मिनट लगेगा मुझे ब्रेकफास्ट वगैरह तैयार करने में, तो ये खा लेते हैं, इसके बाद ब्रेकफास्ट तैयार करते हैं। मेरे पास ना पनीर पड़ा हुआ था, थोड़ा सा मतलब इतना बड़ा क्यूब पड़ा था, तो मैंने उसको अच्छे से स्क्रम्बल कर लिया, मतलब ऐसे करके नहीं क्या बोलते हैं उसको, ऐसे फोड़ लिया था। देन उसके अंदर मेरे पास एक ओरिगैनो और चिली फ्लेक्स का पैकेट था, मैंने वो मिक्स कर दिया और इसके ऊपर ब्रेड के ऊपर एक लेयर डाल दी। अब मैं इसके ऊपर खीरा टमाटर और प्याज लगा रही हूँ, और इसको फिर मैं तवे पर टोस्ट कर लूँगी और बन जाएगा मेरा आज का ब्रेकफास्ट। जो ये है ना, ये ब्रेड है ना, ये ब्राउन ब्रेड है, ठीक है। वैसे ही मैं ऐसा कुछ नहीं है कि ब्राउन ब्रेड ही खाना है, वाइट नहीं खा सकते हैं, खाने को कुछ भी खा सकते हैं, लेकिन मेरे पास अभी ब्राउन ब्रेड है तो हेल्दी सोच कर मैंने ब्राउन ब्रेड नहीं ली थी। मेरा बेटा वाइट ब्रेड से ज़्यादा ब्राउन ब्रेड पसंद करता है, तो जब भी कभी उसे मंचिंग का मन होता है तो मैं उसे ऐसे घी में तल के दे देती हूँ। तो अब इसे हम तवे पर सेक लेंगे। सो गाइज ये है मेरा ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट में है दूध जिसमें मैंने गुड़ डाला है थोड़ा सा फ्लेवर के लिए, क्योंकि मैं प्लेन दूध नहीं पी पाती हूँ। और ये है मेरा सैंडविच, तो बस बनके तैयार है मेरा सैंडविच। अब मैं सैंडविच फिनिश करती हूँ और आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर बाद। हम लोग मैं लड्डू को लेने के लिए आई थी और आप लोगों को बताना भूल गई, जल्दी जल्दी मैं निकली हूँ क्योंकि मैं अपने एक सब्सक्राइबर से बात करती हूँ, मेरी बिल्कुल बहन जैसी है और छोटी है, लेकिन कई सारी बातें मैं उनसे शेयर कर सकती हूँ। और तो उनसे बात करते करते मैं स्कूल कर निकल गई थी, वीडियो नहीं शूट कर पाई, और अब लड्डू को लेके वापस आई हूँ। देखो लड्डू, सबको हेलो बोलो, हेलो बोलो लड्डू। मम्मा मैं मन नहीं जा रही थी, मम्मा कट्टी पहले हेलो बोलो,
फिर हेलो बोलो। वहाँ कहाँ जा रहे हो? जाना उधर ही था। नहीं बोलेगा, शर्मा रहा है। तो आप घर पहुँच के फिर आपसे बात करती हूँ। गाइस, टाइम हो चुका है लंच का, तो लंच टाइम से ज़्यादा हो गया। तो मैंने लिया है, इसमें आपको दिख रहा है राइस, दाल, भिंडी की सब्जी और सैलेड। सो ये है मेरा लंच। और अब मैं अपना लड्डू आ गया, लड्डू डरा दिया। तो अब मैं अपना लंच फिनिश करती हूँ और आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर के बाद। एवरीवन, मैं और लड्डू हम दोनों सो गए थे और अभी उठे हैं थोड़ी देर पहले, 4:30 हो रहे हैं। तो मैंने सोचा पहले लड्डू को कुछ खिलाया जाए, उसके बाद अपना कुछ देखते हैं क्या बनाना है क्या खाना है। वैसे मन नहीं है, भूख बिल्कुल भी नहीं है, कुछ ज़्यादा ही खाना खा लिया था। और मेरे पैरों में और मेरे हाथ में इतना पेन है ना, इतना पेन है, मुझसे चला नहीं जा रहा, कोई काम किया नहीं जा रहा। मेरी आर्म्स बहुत दर्द हो रही हैं, नी ये एल्बोज के पास जो पार्ट होता है ना, ये बहुत पेन कर रहा है। थाइज में बहुत पेन है, शायद वो एक्सरसाइज मतलब करने को तो मैं 5-7 मिनट ही कर रही हूँ, लेकिन पेन ऐसे ऐसे नहीं, मैंने घंटों एक्सरसाइज की है ना, उसके बाद का पेन है, बहुत पेन हो रहा है। सो एनीवेज, मैं अभी अपना मतलब अपने बेटे को कुछ खिला देती हूँ और उसके बाद फिर आपसे बात करती हूँ। हेलो, वाओ। तो गाइस, टाइम हो चुका है शाम हो चुकी है और टाइम हो चुका है इवनिंग स्नैक्स का। तो मैंने इवनिंग स्नैक्स में लिया है एक बिस्किट। बिस्किट का साइज़ अब देखो काफ़ी बड़ा है, मेरे फेस के आधे फेस के बराबर है। तो इतना बड़ा बिस्किट है ये। और साथ में है चाय, क्योंकि मॉर्निंग में आज चाय नहीं पी थी मैंने, तो चाय पी रही हूँ। और साथ में लड्डू होमवर्क कर रहा है ना। लड्डू होमवर्क कर रहा है। दिखाओ अपना होमवर्क। आज लड्डू को क्या मिला है? स्टार। लड्डू को डेली होमवर्क पे स्टार मिलता है ना? नहीं, मिलता। हाँ, उसमें स्टार मिलता है। तो हाँ। अच्छा ये बताओ, तुमको पेंसिल से काम करने में मजा आता है या ड्राइंग करने में, कलर करने में? कलर में। हाँ। कलर में बहुत मजा आता है। हाँ। मम्मा को भी बहुत मजा आता था कलर करने में। देखो। वाओ। चलो काइट में पूरा रेड कलर कर दो। लड्डू को आईज है। हाँ, गप्पा आईज, ग्रैंडपा की आईज, ग्रैनी आईज, ग्रैनी की भी आईज है, हाथ हाथ भी है, ग्रैंडपा हाथ, ग्रैंडपा का भी हाथ है, अंकल हाथ, अंकल का भी हाथ है, अंकल अगेन आया। हाँ, सब आए। मम्मी। हाँ। सारे आए। सारे आए। देखा? हाँ, देख लिया। गेनी आए, बेबी आन, मम्मी दो दो बेबी आया। हाँ, दो दो बेबी आएंगे। गेनी का बेबी, ग्रैनी का भी बेबी आएगा, ग्रैंडपा गेन, ग्रैंडपा का भी बेबी आएगा। मम्मी ये काम फिनिश करो। हाँ, जल्दी फिनिश करो, चलो मम्मी। सो गाइस, ऑलरेडी 7 बज चुके हैं, मैंने कुछ भी प्रिपरेशन नहीं की है अपने डिनर की, क्योंकि लड्डू की वजह से ना उसका होमवर्क कराते कराते ना बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था। दाल लाइट ऑन कर दे। उसको होमवर्क कराते कराते टाइम का पता ही नहीं चलता है, मतलब टाइम ऊपर हो जाता है ना कि मैं बता नहीं सकती हूँ। और अभी ना लड्डू ने होमवर्क करने के बाद बोला कि मम्मा मैगी, तो मैं सोच रही हूँ थोड़ी सी मैगी मैं भी खा लेती हूँ, डिनर वही हो जाएगा, क्योंकि ऐसा सच कुछ खाने का मन नहीं है। और हस्बैंड के लिए आलू परवल की सब्ज़ी बनेगी, तो मेरा मन नहीं है परवल या कुछ भी सब्ज़ी वगैरह खाने का। तो आज मैं ना सेकेंड डे ही चीट कर रही हूँ, तो मैं आज खाऊंगी मैगी। और मैगी मैं कितनी खाऊंगी मैं आपको बता देती हूँ, इतनी मैगी में मैं और लड्डू हम दोनों लोग खा लेंगे। आपको पता है
जब लड्डू स्कूल से आया ना, उसे खाना वाना खिला दिया था मैंने, तो मैं उसको दोपहर में सुलाती नहीं हूँ, क्योंकि अगर वो दोपहर में सो जाता है ना, तो फिर वो रात में काफ़ी लेट तक जागता है, उसको नींद नहीं आती है। तो उसका उसका होमवर्क करने का उस टाइम पे मन नहीं, तो मैं सोचा ठीक है, बच्चा अभी स्कूल से ही आया है, खाना पीना खाए यार, मैं फिर होमवर्क करवाने बैठ जाऊँ। तो उसका मन होता तो मैं बिठा देती हूँ, अगर नहीं होता तो मैं थोड़ा सा उसको खेलने ही देती हूँ। तो हुआ ये कि वो मुझसे बातें कर रहा था, मैं लेटी हुई थी, और मैं कब सो गई मुझे पता ही नहीं चला, मतलब मुझे ही नहीं पता चला, वो मुझसे बोले जा रहा था, मैं हूँ हाँ हूँ कर रही थी, और मैं कब सो गई मुझे नहीं पता चला, और मेरे को देख के शायद वो भी सो गया। जब मेरी आँख खुली ना, तो उसने उसका हाथ मेरे मुझे ऐसे करके उसने पकड़ा हुआ था गले से, और वो भी सो रहा था, मैं भी सो रही थी, हम दोनों ही सो गए। और फिर जब अचानक से देखा ना मैंने, तो 4:30 बज रहे थे उस टाइम पर, पता नहीं मैं किस किस टाइम पर सोई हूँ, मुझे टाइम भी नहीं पता, क्योंकि सोने का कुछ प्लान नहीं था, लेकिन लेटे 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 नींद आ गई। और उसके बाद फिर खाना खाते ही सो जाओ ना, तो खाना डाइजेस्ट नहीं होता है ठीक से, तो मुझे वही लग रहा है, इसीलिए मेरा पेट भरा भरा लग रहा था शाम तक। अब थोड़ा सा थोड़ी सी भूख है, लेकिन कुछ प्रॉपर खाना खाने का मन नहीं है, कुछ मतलब चटपटा सा खाने का मन था, तो मैंने सोचा खा लिया जाए, आज मैगी बनाई रही हूँ तो अपने लिए ही बना लेती हूँ, और इसीलिए मैं मैगी बना रही हूँ, जितना दिखाया उतना ही बनाऊँगी, उससे ज़्यादा नहीं बना रही हूँ मैं मैगी। और मैगी खाते टाइम आपसे बात करती हूँ। ये है मैगी, ये है लड्डू की, और ये है मेरी। वैसे ये मैगी भी मुझे खानी पड़ेगी, क्योंकि ये मैगी खाता नहीं। सो गाइज, अब कुछ लोग मुझे कमेंट में ये भी बोल सकते हैं कि इतने छोटे बच्चे को मैगी खिला रहे हो, मैगी मैदे की होती है, अनहेल्दी है, तो बच्चों को मैगी नहीं देनी चाहिए। लेकिन आपको मैं बता देती हूँ, लड्डू मैगी बिल्कुल नहीं खाता है, 1 या 2 स्पून से ज़्यादा वो खाता नहीं है। और मैं मेरे घर में मैगी 10 से 15 दिन में एक बार बनती है, जैसे कि आज बन गई है, तो अब हमारे घर में 10-15 दिन तक मैगी बनेगी ही नहीं, क्योंकि मैं भी डाइट पर ही रहती हूँ ऑलमोस्ट, और लड्डू कोई भी चीज़ खाता नहीं, जो चीज़ मैं बना के देती हूँ मुझे फोर्सफुली उसे खिलाना पड़ता है, तो अगर मुझे फोर्सफुली खिलाना पड़ रहा है तो मैं उसे मैगी ना देके कुछ हेल्दी चीज़ ही देना प्रेफर करती हूँ। लेकिन सम टाइम नहीं, ठीक, तो इसीलिए देती, मैं सब कुछ, मैं देने का सब कुछ ट्राई करती हूँ कि, तो मैं इसको देने का सब कुछ ट्राई करती हूँ कि इसे खाने की आदत पड़े, खुद से खाने की आदत पड़े, इसलिए मैं सब कुछ देती हूँ। लेकिन मैं जानती हूँ, इसको मेरा बच्चा है, मैं जानती हूँ कितना खाने वाला है। भूत आया, मैगी मैगी मैगी, देखो ये देखो, अरे वाह, लड्डू के पास मैगी, मम्मी के पास मैगी, मम्मी टेस्टी है, टेस्टी, यस टेस्टी है, ओटी ने टेस्टी है, मम्मी ये। गुड मॉर्निंग एवरीवन, आज नेक्स्ट डे हो गया है, मेरे पीछे सारा सामान, क्योंकि बहुत सामान रखा है, क्योंकि लड्डू अभी स्कूल गया है, जस्ट गया है, मैं अपने बाकी के काम स्टार्ट कर रही हूँ, और मुझे मैंने नया व्लॉग भी, मतलब नेक्स्ट डे का व्लॉग भी स्टार्ट कर दिया है, लेकिन मैंने कल का व्लॉग एंड नहीं किया था, तो इसीलिए अब मैं इस व्लॉग को एंड कर रही हूँ, क्योंकि एंडिंग के बिना वीडियो में मज़ा नहीं आता, व्लॉग में मज़ा नहीं आता है, तो इसीलिए मैंने आज कल डिनर में मैगी खाई थी, जो कि आई नो बहुत ही अनहेल्दी चीज़ है, लेकिन ठीक है, सम टाइम हम खा सकते हैं। और वैसे भी मैं अभी अपनी जर्नी पर हूँ, और मैं मतलब ऐसा नहीं है कि मैं बिल्कुल प्रो हो चुकी हूँ, तो मतलब मैं एकदम अच्छे से अपनी डाइट को फॉलो कर सकती हूँ, नहीं ऐसा नहीं है, मैं भी मिस्टेक्स करती हूँ, मुझे भी क्रेविंग्स होती है, मेरा भी मन करता है कुछ कुछ चीज़ें खाने का, तो हर टाइम तो नहीं खा सकते, लेकिन सम टाइम खा भी सकते हैं, ऐसा मैं सोचती हूँ। और इसीलिए मैंने कल मैगी खा ली थी, तो ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको तीनों टाइम में से एक टाइम मैगी खानी है, या तीनों टाइम में से एक टाइम आपको अनहेल्दी खाना, ऐसा नहीं है, आप 3-4 दिन में या 5-6 दिन में एक बार चीट कर सकते हो एक मील का, ठीक है। तो मैंने भी वही किया था, तो कल मैंने मैगी खा ली थी, और मैगी भी मैंने काफ़ी कम खाई थी, बहुत ज़्यादा नहीं खाई थी, तो बस यही था आज का दिन। और आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया तो डू सब्सक्राइब टू माई चैनल, वीडियो शेयर कर दीजिएगा फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ में, फिर मिलूंगी आपसे कल विद अ न्यू वीडियो विद अ न्यू डे, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।